मोदी उपनाम ऐसे लोगों का है जो चोरी करते हैं, राहुल गांधी की सजा हो सकती है। अब ये मुकदमा उनसे पूछ लीजिए स्मृति ईरानी से। तो हमें तो यही नहीं लगता कि मोदी जी क्या कहते हैं और करते क्या हैं। भाजपा और मोदी जी की आवाज बहती हुई गंगा है जो सब पापों को धो देती है। ये प्रधानमंत्री वो है जस जो सिर्फ मन की आवाज सुनाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं बंदा। जो असली मुद्दा है वो है बेरोजगारी, असली मुद्दा है महंगाई। टमाटर बेच के रातों रात करोड़पति हो गए हैं। कै आदमी हो गए, जरा ये देखो अमृत काल और अच्छे दिन उनके आए हैं जिन्होंने इनको पैसा खर्च करके पावर मिलाए। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, आदमी हम है नहीं, हम झुंझुने हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। देश में जो है कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, मणिपुर है, और भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, और सब उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आप क्या मानते हैं कि जो भी मणिपुर में जो भी कुछ हुआ उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, क्या कहना है आपका? बेटे, मणिपुर में चुप्पी नहीं साधे हुए, वो करा रही है, उसका प्रायोजित है ये काम। क्योंकि जब तक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में झगड़ा नहीं होगा तब तक उनकी रोटी नहीं सकेगी। मणिपुर पे मुझे यही कहना है। सरकार जो है, प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि मेरा मन दुख रहा है इस घटना से, मंत्री तो तीन कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जब कहीं हूँ। ये प्रधानमंत्री वो है जस जो सिर्फ मन की आवाज सुनाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं बंदा। माननीय मोदी जी दूसरे की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की सुनाते हैं। मणिपुर की मन की बात वो कैसे सुन लेंगे? तो अखबार वालों ने उन पर दबाव डाल के कहलवा लिया है। वरना कोई भी वजीर आजम, ये हो सकता है कि मणिपुर जलता रहे, बहन बेटियों के साथ इस तरह का भयंकर उत्पात होता रहे और प्रधानमंत्री तीन महीने में कोई अभिव्यक्ति न दे, ये असंभव है। विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा है, पार्टी गठबंधन का नाम, लेकिन जो है तमाम सत्ताधारी लोग हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, PFI से, और इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया आता है इस बात से। बेटे मेरी बात सुनो, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब तब तक था। अब जब विपक्ष जागरूक हो गया, उसे इनके संशय द्वैधभाव और यान की जो राजनीति कर रहे थे उसका पता चल गया, तो आप कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर रहे हैं। कंपनी तो इनकी बनी हुई है, अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की, 20 गुजरातियों की, जो सारे हिंदुस्तान के बजट के बराबर धन लूट के ले गए। आपने जो असली मुद्दा है वो है बेरोजगारी, असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है, इन्हीं की NSO रिपोर्ट कहती है कि देश में 84 करोड़ लोग 24 रुपए रोज से कम में गुजर करते हैं। जहां इतना डिस्पैरिटी हो, हाँ, जहां इतनी विषमता हो, वहां पर आप किसकी चर्चा कर रही हैं? वहां तो महंगाई के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों को फायदा हो रहा है, किसान अमीर हो गए। बेटे किसानों का बाजरा 800 रुपए में और मक्का 1200 और 900 रुपए में लुट रही है। जरा देख लो उत्तर भारत में जाके, कहीं भी UP देख लो, हरियाणा देख लो। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में कुछ किसान जो हैं वो टमाटर की खेती करते थे, टमाटर बेच के रातों रात करोड़पति हो गए हैं। कै आदमी हो गए, जरा ये देखो, 15 लोग टोटल, इसे 140 करोड़ के, जहां किसान 100 करोड़ पिस रहा हो, वहां 15 लोग मालदार हो जाएं, उससे क्या बनता है? क्या होगा उसका बेटे? 15 आदमी मालदार हो जाए, 25 हो जाए, 500 हो जाए, इतने बड़े देश में क्या आता है? तो क्या जनता तो फिर भी कह रही है ना कि जनता खुशहाल है, अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन हैं। बेटे अमृत काल और अच्छे दिन उनके आए हैं जिन्होंने इनको पैसा खर्च करके पावर मिलाए हैं। जो गोदी मीडिया है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनकी मौज आ गई है, बाद बाकी तो चारों तरफ भुखमरी है। कह रहे आपकी बार तो 400 के पार लाएंगे। हाँ बेटे जरूर लाएंगे, यदि EVM ने साथ दिया तो, और यदि उन्हीं का बस चला। लेकिन आप जो अभी प्रश्न किए थे कि विपक्ष एकजुट हो गया है, इसका मतलब तो ये है कि 200 पार भी लाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन स्मृति ईरानी कहती है कि एक मोदी को हराने के लिए जो है सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। नो, वो तो किसी को चोर कह सकती हैं, एक मामूली सा ये कह देने पर कि मोदी उपनाम है ऐसे लोगों का है जो चोरी करते हैं, वो तो व्यक्ति का भी नहीं था, एक उपनाम कहा था उन्होंने, जिसमें ललित मोदी और नीरव मोदी का उदाहरण भी दिया था, और उस पर राहुल गांधी की सजा हो सकती है। अब ये मुकदमा उनसे पूछ लीजिए स्मृति ईरानी से, यदि आप जागरूक पत्रकार हैं तो आप पे हम मुकदमा कर रहे हैं कि आपकी संसद सदस्यता जाएगी। ईरानी ये भी कहती है कि राहुल गांधी जाके मणिपुर में राहुल गांधी ने दंगा भड़का दिया। हाँ, राहुल गांधी से पहले ही हो चुका था, राहुल गांधी तो बाद में गए, मणिपुर तो 3 महीने से चल रहा है। वो तो संसद भी कह रही है कि राहुल गांधी के जाने के बाद जो दंगा भड़क गया, वो संसद तो जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, आदमी हम है नहीं, हम झुंझुने हैं। ये तो संसद अब झुंझुना बन गई है बेटे, संसद रही कहाँ है। लेकिन अच्छा, ये पीएम का जो बयान आया पीएफआई और ईस्ट इंडिया कंपनी पर, तो उसके बाद पलटवार में कन्हैया कुमार ने कहा गधे के 2 आंख होते हैं और प्रधानमंत्री के भी 2 हैं, तो क्या कहें? नहीं, वो कन्हैया कुमार ही उसका उत्तर देंगे, मैं इतनी हल्की बात तो नहीं बोलूंगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान? लेकिन ये बयान जो है उनका रिएक्शन है कन्हैया कुमार का, और जब मोदी जी देश के साथ इतना बड़ा रिएक्शन दे रहे हो तो नौजवान लड़का है, जेएनयू में पढ़ के आया है। लेकिन प्रधानमंत्री को गधे से कंपेयर करना कितना सही है? उसका भी, उसको भी जेल में भेजा जाए फिर, वो तो एक नारा कोई बीजेपी वाला लगा देगा तो उसे भी जेल में चला जाएगा। कहते हैं मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो देशद्रोही हैं, मोदी सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। मुझे ये नहीं पता बेटा, संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं, लोकतंत्र चारों खाने चित हो गया है, जितने भी बूथ लूटने के काम हैं और जितने भी दूसरी पार्टी, आप एक देखो कितनी भयानक बात है, 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बंबई से थोड़ी दूर पर मध्य प्रदेश में बोल रहे होते हैं कि जो जो कल जो एनसीपी के लोग हैं, उद्धव ठाकरे के लोग हैं, एनसीपी के लोग 17,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं, इन पर मेरी नज़र है, और 2 तारीख को वो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो हमें तो यही नहीं लगता कि मोदी जी क्या कहते हैं और करते क्या हैं। जो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं उनको आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब तो ऐसा लगता है कि जिस पर मोदी जी इशारा कर रहे हो उसको अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। ये भाजपा और मोदी जी की आवाज बहती हुई गंगा है जो सब पापों को धो देती है। तो साफ तौर पर सुना आपने कैसे जो है मोदी के सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं, जिस तरीके से मोदी आरोप लगाते हैं और फिर उनकी पार्टी में आ जाने के बाद मंत्रालय में शामिल कर देते हैं और उस उनके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, सारे जो करप्शन के जो लिस्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी गिरी जनहितावास।